हेलो फ्रेंड, दिस इज़ कविता गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, क्या आप भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं? क्या इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना आपकी भी कमजोरी है? लेकिन आज से आपकी कमजोरी इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं रहेगी, यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना डिफ़िकल्ट क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, जब तक हमें वॉकेब्स नहीं आएंगे, हमारी वॉकेबलरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जब तक हम अपना इंग्लिश का न्यूज़पेपर अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं फ्रेंड। अब वो वॉकेब्स हमारी कैसे स्ट्रॉन्ग होंगी? देखिए फ्रेंड्स, हमें नॉर्मल वॉकेब्स तो बहुत अच्छे से आती हैं, लेकिन जो न्यूज़पेपर होता है उसमें स्टैंडर्ड वॉकेब्स यूज़ की जाती हैं। वो इतनी हाई एडवांस्ड होती हैं कि हम उन्हें लर्न कैसे करें? यदि लर्न भी करेंगे, उन्हें हम क्रैम करने की कोशिश करेंगे और हम कुछ टाइम बाद उन्हें भूल जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, हम जो वॉकेब्स लर्न कराते हैं, हम वो निमोनिक टेक्निक की हेल्प से लर्न कराते हैं। चाहे वो कोई छोटा स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई बड़ा स्टूडेंट हो, कोई भी एज ग्रुप हो सकती है उस टेक्निक को सीखने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि हम छोटे बच्चे को ही चीज़ें एंटरटेन करके सिखाएं या किसी थ्रू एक्टिविटी सिखाएं। हम किसी बड़े स्टूडेंट को भी या किसी भी बड़े पर्सन को भी हम किसी भी चीज़ को न्यू टेक्निक के साथ सिखा सकते हैं। देखिए फ्रेंड, बच्चे ही नहीं, हम लोग बड़े भी बोर हो जाते हैं स्टडी करने पर, हम भी फेड अप हो जाते हैं। सपोज़ कीजिए, हम न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठेंगे और उसमें बार बार हार्ड स्पेलिंग आएंगी और हम बार बार डिक्शनरी ओपन करके देखेंगे तो हम भी एक दिन फेड अप हो जाएंगे और उसको क्लोज करके साइड में रख देते हैं। तो यही हमारा सबसे वीक पॉइंट होता है। तो इस वीक पॉइंट पर ही सबसे ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि फ्रेंड्स, मैंने अपने हस्बैंड को ड्यूरिंग लॉकडाउन, अभी देखिए फ्रेंड्स अराउंड 15 डेज़ हमारे लॉकडाउन को हुए हैं, मैंने अराउंड 15 डेज़ में अपने हस्बैंड को मोर देन 200 इंग्लिश न्यूज़पेपर की वॉकेबलरी अपनी निमोनिक टेक्निक की हेल्प से लर्न कराई हैं। वो भी बहुत अच्छे से, खेल खेल में, विदाउट एनी स्ट्रेस, कोई इन्होंने क्रैम नहीं किया है, उनको बहुत ईजी तरीके से निमोनिक टेक्निक की हेल्प से उनको सिखाया गया है, ताकि उनके वो सारी वॉकेब्स, मोर देन 200 वॉकेब्स, बहुत लॉन्ग टाइम तक लर्न रहें। और वो आपको दो तीन वॉकेब्स बताएंगे उन्होंने किस तरह से अच्छे से लर्न किया है और किस तरह से उन्होंने सारी वॉकेब्स को अच्छे से सीखा है। तो हम फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं कि छोटे छोटे बच्चों को ही हम चीज़ों को टेक्निक से सिखाएं, हम बड़े स्टूडेंट्स को या कितने भी एज ग्रुप का बंदा हो, हम उसे भी यदि चीज़ें अपनी न्यू एक्टिविटी के थ्रू या किसी स्टोरी के थ्रू या किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग, हम बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी चीज़ें इस लेवल के अकॉर्डिंग सिखाते हैं, तो सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख सकते हैं। तो आज मैं आपको यहीं अपने हस्बैंड से मिलाने वाली हूँ, जिन्होंने मोर देन 200 इंग्लिश न्यूज़पेपर के वर्ड्स को अच्छे से लर्न किया है मेरी निमोनिक टेक्निक की हेल्प से। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वन बाय वन ऑल द वॉकेब्स कन्फर्म करते हैं। तो आज की हमारी फर्स्ट वॉकेब है पार्समोनी। पार्समोनी मीन्स क्या होता है? पार्समोनी मीन्स होता है कंजूस। वेरी गुड। आपने इस वर्ड को कैसे लर्न किया, प्लीज हमारे व्यूअर को बताइए। हाउ डिड यू लर्न दिस वर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम? जैसे पार्समोनी का मतलब होता है कंजूस। पार्समोनी में हमने क्या किया है कि जैसे पर्स और मनी, हमने इसको टू पार्ट्स में इसको ब्रेक करा। सबसे पहले तो आपने देखा होगा, बहुत सारे जो कंजूस लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने पर्स में से इवन अपने खुद के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं निकालते हैं कभी। तो इसलिए हमने क्या किया, इस वर्ड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, पर्स प्लस मनी। इसका और इस हमने इसकी एक स्टोरी बनाई कि जैसे जो कंजूस इंसान होगा वो क्या करेगा, अपने खुद के खर्चे के लिए भी कभी अपने पर्स में से पैसे निकाल कर खर्च नहीं करेगा। तो हम इस स्टोरी के माध्यम से इसको लॉन्ग टर्म तक याद कर सकते हैं। वेरी गुड। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सासर्बेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सासर्बेट? एक्सासर्बेट का मीनिंग होता है खराब हो जाना। हाउ डिड यू लर्न दिस वर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम? देखिए फ्रेंड, जैसा कि हर कोई इंसान पार्टी में जाता रहता है, आपको भी पता है, आप भी पार्टी अटेंड करते हैं, हम भी अटेंड करते हैं। तो जैसे कि कई इंसान किसी पार्टी, इसमें हमने क्या करेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको भी, एक्स्ट्रा प्लस शरबत। यानी कि यदि आप किसी पार्टी में जाते हैं, किसी फ्रेंड के फंक्शन में जाते हैं, वहाँ जाके आप क्या कर लेते हैं, एक्स्ट्रा शरबत पी लेते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका अगले दिन, नेक्स्ट डे क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा। तो इस स्टोरी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस वर्ड को बहुत लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड इज जिंजरली। जिंजरली का मीन्स होता है सावधानी पूर्वक। हाउ डिड यू लर्न दिस वर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम? देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि जिंजरली वर्ड से अपने यहाँ पे एक साउंड निकलती है जिंजर की, तो जो हर किचन में, हर किसी के घर में जिंजर यूज़ होता है, तो हम क्या करेंगे, जैसे एक जिंजर है,
तो हमने क्या करना है कि इसको जो ब्रेक करेंगे जिंजरली, इससे साउंड किसकी निकल दी है, जिंजर की। तो जैसे जो भी यदि कोई इंसान जिंजर को काटता है तो उसको काटते हुए बड़ी ही सावधानी से काटना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इससे आपकी फिंगर भी कट जाए। तो इसलिए जिंजरली सबसे सावधानीपूर्वक, इसलिए हम इसको जिंजर से याद करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखा फ्रेंड्स, आपने हमारे 3 वॉकैब्स बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं निशांत ने। अब मैं उनसे 1 by 1 ऑल वॉकैब्स कंफर्म करूंगी, वो भी जल्दी जल्दी। देखिए किस तरह से मैंने उनको सारी वॉकैब्स लर्न कराई हैं। ये सारी वॉकैब्स फ्रेंड्स इंग्लिश के न्यूज़पेपर में आती हैं, आज ही अपना इंग्लिश का न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से रीड कर पा रहे हैं। तो देखिए मैंने कितनी सारी वॉकैब्स उनको खेल खेल में ऐसे ही घर के चीज़ों से, घर के ऑब्जेक्ट से लर्न कराई हैं। अब देखिए मैं आपके सामने उनसे बहुत सारी वॉकैब्स पूछने जा रही हूँ। चलिए, फर्स्ट इज अगोनी। अगोनी होता है ग्रेट पेन, तेज दर्द। कजोल, कजोल माने बहलाना, फुसलाना। पैनिक, पैनिक माने घबरा जाना। सप्पल, सप्पल माने होता सॉफ्ट मुलायम। वाइली, वाइली माने होता चालाक। कैटी, कैटी मीन्स चालाक। पार्समोनी, पार्समोनी मीन्स होता है कंजूस। डिलीजेंट, डिलीजेंट मीन्स मेहनती। वेरी गुड। टॉपल, टॉपल माने होता है नीचे गिरना। कॉप, पुलिस, कॉप मीन्स पुलिस। नेक्स्ट मैसिव, मैसिव बहुत बड़ा। वेरी गुड। आपने कैसे लर्न किया मैसिव को? मैसिव को हमने इस तरह से लर्न करेंगे जैसे हमने अभी इसको क्या करेंगे, पहले सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मैस से साउंड आती है मासी की, और मैसिव आईवी से आती है टीवी की। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, मासी प्लस टीवी। इसके लिए हम एक स्टोरी इस तरह से भी बना सकते हैं कि जैसे मेरी मासी के घर पर क्या है, इतना बड़ा, बहुत बड़ा टीवी है। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम इसको वर्ड को बहुत लंबे टाइम तक याद कर सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रैपल। ग्रैपल माने होता है होल्ड परफेक्टली, कसकर पकड़ना। किंडल, किंडल माने होता है कैंडल, आग जलाना। इंटेल, इंटेल होता है जरूरी। कैट कॉल, कैट कॉल चिल्लाना। बोलोनी, बकवास, बोलोनी मीन्स बकवास। नाइटमेयर, बुरा सपना, डरावना सपना। सुपर फ्लूटी, सुपर फ्लूटी होता है अधिक मात्रा में। वेरी गुड। हाउ डिड यू लर्न दिस वर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम? आपने सुपर फ्लूटी वर्ड को कैसे लर्न किया? हमने सुपर फ्लूटी को भी सेम कंसेप्ट पे हम क्या करेंगे, अपने निमोनिक टेक्निक से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जैसे होता है कि सुपर प्लस फ्लूटी, सुपर से हम सुपरमैन बना सकते हैं और फ्लूटी से बना सकते हैं फ्रूटी, कि जैसे कि ये फ्रूटी है। यदि मैं सुपरमैन बनना चाहता हूँ, सुपरमैन की तरह ताकतवर बनना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को अधिक मात्रा में फ्रूटी पीनी पड़ेगी। तो इस स्टोरी से हम क्या कर सकते हैं, इस वर्ड को बहुत लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं आप। सेस्क्यूपेडेलियन, सेस्क्यूपेडेलियन होता है बहुत बड़ा। नेक्स्ट इज इमेंस, बहुत बड़ा। हॉट हेडेड, गुस्से वाला। जिंजरली, जिंजरली होता है सावधानी पूर्वक। स्लैपडैश, स्लैपडैश होता है केयरलेस। रैकलेस, रैकलेस मीन्स केयरलेस, लापरवाह। वेरी गुड। मार, मार माने होता है बिगाड़ देना। हाउ डिड यू लर्न दिस वर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम? आपने मार वर्ड को कैसे लर्न किया? मार वर्ड को हम इस तरह से लर्न कर सकते हैं कि जैसे हवा है, हवा ने क्या किया, तेजी से, इसको भी सेम हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी निमोनिक टेक्निक से सीखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मार यानी कि किसी ने क्या किया, एक हमारे फ्रेंड को मार मार के उसकी क्या करी, स्थिति बिगाड़ दी। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम इसको लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वर्ड इज रेप्रीमेंडेड। रेप्रीमेंडेड, रेप्रीमेंडेड का मतलब होता है बुरी तरह से डांटना। वेरी गुड, रेप्रीमेंडेड मीन्स बुरी तरह से डांटना। नेक्स्ट इज स्मोदर। स्मोदर होता है गला घोटन के मारना। वेरी गुड। स्नूपी, ताक झांक करना। स्नूपी, स्नूपी मीन्स होता है ताक झांक करना। नेक्स्ट इज हैवॉक। हैवॉक माने होता है नाश कर देना। वेरी गुड। स्कमी, झाग दाल, इसमें कमी मीन्स झाग दाल। ब्रोथल, ब्रोथल माने होता है कोठा। वेरी गुड। नेक्स्ट इज हैजल। हैजल माने होता है परेशानी। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड इज पेस्टर। पेस्टर मीन्स होता है परेशान करना। जैसे कि हम इसको, जैसे पेस्टर वर्ड आया, तो पेस्टर वर्ड अपने आप में बहुत अच्छा वर्ड है। पेस्टर से किस तरह की साउंड आती है, इस साथ पोस्टर की, यानी कि आपने देखा होगा बहुत सी बार क्या करते हैं राजनीतिक पार्टी के लोग, क्या करते हैं किसी की छवि खराब करने के लिए उसके गलत पोस्टर छपवा कर दीवारों पर लगा देते हैं। तो पेस्टर को हम कैसे याद कर सकते हैं, पोस्टर से, पोस्टर से। वेरी गुड, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। नेक्स्ट वर्ड इज ल्योर्ड। ल्योर्ड माने होता है लालच देना, लुभाना। ट्रज, ट्रज माने होता है पैर घसीट कर चलना। नेक्स्ट इज डिमाइस। डिमाइस होता है मृत्यु। नेक्स्ट इज कैप्शियस। कैप्शियस मीन्स होता है किसी के काम में कमियां निकालने वाला। नेक्स्ट इज थ्रिफ्टी।
थ्रिफ्टी मीन्स होता है, सेम वर्ड आता है इसका कंजूस। जैसे जिस हम इसकी ये भी स्टोरी बना सकते हैं थ्रिफ्टी की, कि यदि किसी इंसान के पास 350 रुपीज़ है लेकिन वो क्या कर रहा है, उसको भूख लगी है, उसके बाद भी वो क्या कर रहा है, अपने लिए खाना नहीं खा रहा है 350 रुपीज़ होने के बाद भी। तो इसके से भी सेम वो आएगा हमारा कंजूस, जो इंसान अपने खुद की ज़रूरतों के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकता, उसका मीनिंग वो होता है कंजूस बोलते हैं हम उनको। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट इज नोटोरियस। नोटोरियस मतलब होता है बदनाम। वेरी गुड। नेक्स्ट इज ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस होता है मिलनसार। टेनेशियस। टेनेशियस माने होता है अटल। पेटुलेंट। पेटुलेंट जैसे ये पेटुलेंट वर्ड्स को फिर दोबारा हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले पेटुलेंट का मीनिंग बताइए। पेटुलेंट का मीनिंग होता है चिड़चिड़ा। वेरी गुड। जैसे कि सब इसको हमने क्या किया, टू पार्ट्स में ब्रेक किया, पेटू प्लस लैंड। जैसे पेटू आदमी होता है, बहुत से आपने देखा होगा जिनकी डाइट ज़्यादा होती है, जो क्या करते हैं हर समय खाना ही खाते रहते हैं, यदि हम ऐसे इंसान को भूख लगी और खाना ना दे तो वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा चिड़चिड़ा हो जाएगा वो। तो पेटू लैंड को हम इस स्टोरी से लॉन्ग टर्म तक लर्न कर सकते, याद रख सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट इज वैगिश। वैगिश होता है मजाकिया। नेक्स्ट इज योकल। योकल मांस होता है, योकल को हम याद करेंगे लोकल से, यानी कि लोकल का मीन्स होता है गवार। जैसे कि हमने देखा होगा कि बहुत सी बार हमारे आसपास के कुछ गवार बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी किसी की मजाक उड़ाते हैं, कभी किसी को उड़ाते हैं, वो क्या करते हैं सबको ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट इज मैलिएबल। मैलिएबल होता है जो इंसान अपने आप को किसी दूसरे के कहे अनुसार चेंज कर ले। वेरी गुड। नेक्स्ट इज क्रून। क्रून होता है गुनगुनाना। गुड। नेक्स्ट इज इंकलिंग। इंकलिंग होता है आभास। वेरी गुड। नेक्स्ट इज इनब्रिएटेड। इनब्रिएटेड होता है इंडिया प्लस नशे में धुत। हाउ डिड यू लर्न दिस वर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, कैसे लर्न किया आपने? हमने इसको क्या किया, जैसे इंडिया के, जैसे आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि इंडिया में बारातों में तो हर कोई जाता ही है, वहाँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं पूरी तरह नशे में धुत होकर क्या करते हैं किसी के फंक्शन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया ब्रिटेड से हम याद करेंगे इंडिया प्लस बारात से, तो इसका मीनिंग होता है नशे में धुत। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये इंग्लिश के न्यूज़पेपर में बहुत आती हैं सारी वोकैब्स फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज टार्डी। टार्डी माने होता है लेट लतीफ़। वेरी गुड। नेक्स्ट इज रेस्टिव। रेस्टिव मीन्स होता है अड़ियल। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि जो क्या करते हैं वो रेस्टिव मोड पे रहते हैं, उनसे किसी भी काम के लिए कहा जाए तो कुछ नहीं करना चाहते, बस वो अड़े रहते हैं एक जगह, इसलिए रेस्टिव का मीन्स आएगा अड़ियल। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताइए ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस होता है अध्यादेश या कोई नियम या कानून। वेरी गुड। नेक्स्ट इज स्कैमिस्टर। स्कैमिस्टर होता है घोटालेबाज। वेरी गुड। नेक्स्ट इज हेफ्टी। हेफ्टी होता है मोटा तगड़ा, जैसे आपने सुना होगा फ्रेंड्स हेफ्टी, हेफ्टी से आप क्या करेंगे जैसे मोटा तगड़ा, यदि किसी को बहुत ज़्यादा अपने व्यापार में मोटा नुकसान हो जाता है या मोटा फायदा हो जाता है, ये इसका साउंड आती है हेफ्टी मोटा। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हेस्टी। हेस्टी माने होता है जल्दबाज। जल्दबाज, वेरी गुड। नेक्स्ट इज फ्रेंजी। फ्रेंजी होता है पागलपन। वॉट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंजी? फ्रेंजी का मीन्स होता है पागलपन। हाउ डिड यू लर्न दिस वर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपने इस वर्ड को कैसे लर्न किया? जैसे फ्रेंजी से जो लैंग्वेज आती है फिर हम इसको क्या करेंगे फिर टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे इससे लैंग्वेज आती है फ्रेंजी, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज की। तो आज की डेट में आपने देखा होगा कि हमारे इंडियंस के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं फॉरेन की लैंग्वेज सीखने के लिए वो क्या करते हैं बिल्कुल पागलपन पे उतारू रहते हैं कि भाई हमें सीखना है कैसे भी करके, तो इसलिए फ्रेंजी से फ्रेंच लैंग्वेज। हम इसको इसे भी स्टोरी को याद कर सकते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है जो क्या करता है फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए बिल्कुल पागलपन की हद तक तैयार है। वेरी गुड। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितने अच्छे से निशांत ने सारे वर्ड्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया आपके सामने। देखिए आप इस चीज़ से समझ गए होंगे कि बिल्कुल भी क्रैमिंग सिस्टम नहीं है, आपको उन्होंने बीच बीच में बहुत सारे वर्ड्स अच्छे से डिफाइन भी किए हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स सारे वर्ड्स इनको बहुत अच्छे से 15 डेज़ में लर्न कराए गए हैं। ये सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, जो बहुत ज़्यादा डेली न्यूज़पेपर में आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप इस तरह से इस टेक्निक से सारे वर्ड्स लर्न करते हैं तो ये आपको भी सारे वर्ड्स घर बैठे बैठे हमारी वीडियो के थ्रू ये लर्न हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी बहुत सारे इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स या इंग्लिश न्यूज़पेपर के या कोई भी अदर वर्ड्स चाहते हैं इस तरह से सीखना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उसका निमोनिक बनाकर आपको सेंड करेंगे। इस तरह से आप सारे वोकैब्स लर्न कर सकते हैं हमारी वीडियोस के थ्रू और बहुत अच्छे से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और यदि आप भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो आप भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर इन वोकैब्स के थ्रू अच्छे से इन वोकैब्स को लर्न करके अच्छे से अपना न्यूज़पेपर
बहुत आसान तरीके से रीड कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप भी फ्रेंड्स हमारी वीडियो के माध्यम से सारी वीडियो को देखकर इसी तरह से इंग्लिश की वोकैब्स को अच्छे से लर्न कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू।